गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं घर आ गई हूँ, रात में ही आ गई थी। और कल रात में क्या हुआ पता है? कल बहुत बुरा हुआ सच में। मेरे को इतना दुख हुआ है, इतने मन से बनाया था। और क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, सोचा नहीं था। कल क्या हुआ, कल मैं शादी से लौट रही थी, मतलब हम लोग सब लौट रहे थे, तो लिफ्ट के पास खड़े थे। तो मेरी आदत अभी नया नया चीज़ बनी थी, तो मैं ऐसे से देख रही थी कि है कि नहीं। शादी में क्या होता है, अपन बहुत सारी चीज़ें पहन लेते हैं इधर उधर, तो एकदम मतलब कंफर्म करने के लिए गले में है कि नहीं है। मैंने किया, देखा तो वो टूट गया। जो मैंने नेकलेस के पेंडेंट बनवाया था ना, वो टूट गया। कैसे टूटा? वो बीच से टूट गया। और क्या हुआ कि पहले मैं तलोद में एक है सुनार मम्मी के जानने वाले, और वहां से बनवाने वाली थी, लेकिन वहां से बन नहीं पाया ना वो बना पाया। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि हम जा ही नहीं पाए तलोद ना वो बन पाया, मतलब बन नहीं पाया वहां से। तो उसने बोला था मुझे कि जब आप, एक सेकंड में बताती हूँ। अभी तो मैंने ये पहन लिया क्योंकि गला खाली था, तो मैंने ये चेन डाल ली मंगलसूत्र। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं हुई है, वो तो दोबारा से बन जाएगा। कहाँ गया, इसमें रख दिया। तो उसने ये बोला था कि जब भी आप नाम का पेंडेंट बनवाएं, तो उसमें ना एक सपोर्ट के लिए लाइन खिंचवा लें नाम के नीचे से। अपन नाम लिखते हैं तो उसके अंडरलाइन कर देते हैं ना पेन से, वैसे उसने बोला था कि सपोर्ट के लिए एक लाइन अंदर सोने की सपोर्ट लगवा लेना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिंगल नाम चाहिए, ऐसे वो लकीर नहीं चाहिए पेंडेंट के नीचे। तो वो बोला कि वो टूट जाएगा नहीं तो फिर, अगर आप ऐसे करोगे। फिर हम अहमदाबाद के शोरूम गए, क्योंकि वहां तो मैं जा नहीं पाई तलोद बनवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं टूटेगा, और आजकल लड़कियां ऐसे ही बनवा रही हैं, किसने कहा कि टूटेगा। मैंने कहा ठीक है। और उसके मैं जब बनवाने गई थी, तब मेरे बगल में ही एक लड़की खड़ी मतलब बैठी हुई थी, वो भी बनवा रही थी सेम। उसका नाम तन्वी था, तन्वी के नाम से। तो मैंने कहा ठीक है, इसने भी बनवाया तो नहीं टूटेगा। लेकिन वो टूट गया बीच से ही, मैं दिखाती हूँ। कल टूटा, और अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिया, वरना वहीं गिर जाता। लिफ्ट में उतरते चढ़ते सामान उतार रही थी तो वो गिर जाता, क्योंकि मैंने हाथ लगा के देख लिया, वो बीच से ही टूट गया आर से। अभी इसका मैं क्या करूंगी, इसके मैं दिखाती हूँ। तो ये है। ओके गाइस, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि मुझे बनवाना है, मतलब बहुत लोगों को पसंद आया था। तो आप लोग ये करना, जो मैंने गलती करी है वो आप मत करना। आप जब बनवाना है ना अपने नाम का, ये देखो मैं जूम करके दिखा देती हूँ। खैर अभी तो टूट गया, एक सेकंड। ओके, तो मैं ये कह रही थी गाइस कि ये है पेंडेंट, देख रहे हो, प्रियंका नाम का। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना है, और ये है चेन। सो मैंने तो इसमें चेन अलग लेनी पड़ती, पेंडेंट तो ऑर्डर देना पड़ता है। उसके बाद फिर जिस दिन आप लेने जाओ, उस दिन चेन अपनी पसंद की ले लो कोई भी। तो इसमें जो सुनार था ना, ज्वेलर्स था जो तलोद में रहता था, उसने बोला था इसके नीचे है ना ऐसी एक पट्टी लगवा लेना, लगाएंगे जब वो बनाता तो वैसे ही बनाता, पट्टी लग जाती। इससे क्या होता है ना, ये सारे वर्ड्स को सपोर्ट मिल जाता, तो ये बीच से टूटता नहीं। जब अहमदाबाद वाले शोरूम में गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा पट्टी वट्टी का कहाँ आजकल ट्रेंड है, आजकल तो सिंपल नाम का ही चल रहा है। और बहुत लोग बनवाए, उनका तो नहीं टूटा, बट मेरा टूट गया। देखो इधर से टूटा, ये दिख रहा है आपको, ये पीआर, क्योंकि मेरा नाम भी बड़ा है, तो इन शब्दों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो टूट ही जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि अभी तो फुर्सत नहीं है मेरे पास, जाके एक सपोर्ट लगवा लूँगी नीचे इसमें, तो वो ठीक हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो ये अच्छी बात है कि गिरा नहीं और हाथ में आ गया। तो जब भी आप भी बनवाएं ना, अगर आप लोग बनवाते हो किसी को गिफ्ट देने के लिए, या घर के लिए बनवाते हो खुद के लिए, तो नाम के नीचे सपोर्ट ज़रूर लगवाएं। तो नाम के नीचे अगर आपका नाम प्रिया है, तो इसके नीचे ऐसी एक डंडी या डिज़ाइन वाला कुछ भी लगवा लें, समझ रहे हो, वैसे बनवाना। मैं बताती हूँ, वो इमेज मैं ढूंढ रही थी बट मुझे मिली नहीं। चलो कोई नहीं, अभी मैं घर थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ यहाँ पे शोरूम में, तो इसको कराती हूँ। और बहुत लोग प्राइस वगैरह पूछ रहे थे, यार प्राइस तो अच्छा नहीं लगता बताना। अच्छा, इधर से जॉइंट करते तो गोल्ड पट्टी से चिपक जाएगा। क्या पट्टी से चिपक जाएगा? गोल्ड पॉइंट है, वेल्डिंग होता है। मम्मी मेरी कह रही है कि अभी तो वो कमजोर हो गया, अभी जो चीज एक बार टूट गई उसको जोड़ना फिर वो कमजोरी हो गई। मम्मी क्या कह रही है? शांत है, ये जो दिख रहा है आपको बीच में, वो टाइप वैसे ज्वाइंट होगा, वैसे ही आता ज्वाइंट ही है। हाँ, कितने बजे आओगे?
टाइम बोल दो जरा, कितना बजा अभी? हाँ तो मैं बोल रही थी, दूसरी बात इसमें सपोर्ट लगवा लेना। और दूसरा आइडिया अगर ये भी है कि ये जो बैक, इसके जो बैक वाला है ना हिस्सा, इधर भी एक प्लेट लगवा सकते हो हल्की सी, जैसे कि ये है। एक्चुअली इसने नाम ना अलग अलग कर दिया, जैसे ये पी आर जुड़ा है ना कांग है, जैसे ये पी से आर जुड़ा है, ऐसी थोड़ा सा जोड़ के बनाना चाहिए था, या इसके पीछे प्लेट लगा देनी चाहिए थी, तो ये नहीं टूट जाए। ये सिंपल नाम है ना, तो वो तो टेढ़ा हो गई। हे राम, मुझे बड़ा दुख, मुझे बहुत दुख हो गया। दुख तो कुछ नहीं हुआ, आई मीन मैं पहन नहीं पाई इसको, पहनूंगी मैं उसको बनवा के, दिख बताती हूँ आपको मैंने कैसे क्या कराया, बट इसको मैं पहन के रहूंगी अपनी रेगुलर लाइफ। मैंने डेली के लिए बनवाया था, ठीक है, अभी तो मैंने ये वाला पहन लिया है। पहले करवा लिया होता तो सपोर्ट सिस्टम लगवा लिया होता तो ये ना होता। सही, चलो मैं बताती हूँ। सो ये आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, कितने का आया, लोग पूछ रहे थे कितना पड़ा, तो ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितने ग्राम का बनवाते हो। अगर आप दो तोले का बनवाते हो तो ज़्यादा का पड़ जाएगा, अगर आप एक तोला मतलब 12-13 ग्राम का बनवाते हो तो वो 70-75 का पड़ जाएगा। कि लोग मेकिंग चार्जेस बहुत ले लेते हैं यार, मैं तो मेकिंग चार्जेस 7-8 हज़ार पर ले लिया इस चेन की बनवाई की, प्लस पैंडिंग की बनवाई। चलो मैं ये सारा सामान समेट लूँ ना, फिर शादी से आओ ना तो सामान रखो, एक एक मेकअप रखो उठा के, एक एक चूड़ियाँ रखो उठा के, फिर सारी जितनी भी साड़ियाँ वगैरह हैं सब खोलने हैं, सब बेड के अंदर रखना है, तो कम से कम एक घंटे का काम है। तो मैं आपसे बाद में ही मिलती हूँ, ओके। ओके गाइस, सो अभी ये पिटारा खोल दिया गया ताकि सारा सामान इसके अंदर मैं रख दूँ, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ ये पड़ा है, कुछ ये पड़ा है, आप देख रहे हो ये साड़ियाँ बड़ी हैं जो ट्राई कर रही थी मैं जाने से पहले कौन सी पहन जानी है। ये घड़ी घड़ी बनाना है कपड़ों के, ये मशीन चल रही है, और अभी हमारा काम रुका पड़ा है घर का। वैसे तो सारा काम हो गया है, घर का साफ सफाई, सामान जहाँ जहाँ जो लगना था, बस दो काम रह गए हैं, एसी और कैबिनेट और अलमारी कपड़े रखने की। इन तीनों की वजह से ये भरा है, ये जो डब्बे रखे हैं ना, ये एसी है इसमें, और दो डब्बों में, तीन डब्बों में कपड़े हैं, और किचन का तो आपको पता ही है। तो ये तीन चीज़ें जब घर में आ जाएंगी तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट लाएंगे, बट आज नहीं जाऊँगी मैं, कल जाऊँगी, क्योंकि बहुत थकान हो रही है, कल जाती हूँ। और इन्हें भी कल से जाना है काम पर, काम पर इनको भी कल। आज दिन कौन सा है? एसी इतनी आवाज, मशीन इतनी आवाज नहीं करता है, हैं? काम पे जाएंगे अपने, उससे पहले सारा काम तो खैर निपट गया। ये टजरी वाला रह गया, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा लाने को सामान, तो वो तो शाम को भी लाया जा सकता है। तो इनको काम पे जाना पड़ेगा, शिफ्टिंग तो इन्होंने करा दी, सामान में भी हेल्प करा दी लगाने के लिए, अब घर चलाने के लिए काम पे जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है कि ये जॉब नहीं करते, जॉब जो लोग करते हैं उन्होंने बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है ऑफिस के। लेकिन हाँ जो बिजनेस करते हैं वो 2-3 दिन छुट्टी ले लेते हैं अपनी मर्जी से, बस एक ही प्लस पॉइंट होता है बस। चलो चलो काम करते हैं। ओके गाइस, सो ये मशीन हमारी इसलिए इतना बोल रही है क्योंकि मशीन जो है ना वो आड़ी टेढ़ी रखी है, सही से बैलेंस में नहीं रखी है, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही है इतनी।
मिल जाएगा इधर ही। जॉनसन का रख दो ना। ओके गाइस, सो आज के ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ, बिकॉज मैंने इस दिन आगे ब्लॉग नहीं कंटिन्यू किया था क्योंकि मेरा पेंडेंट टूट गया था और मैंने इतने मन से बनाया था और सबसे ज़्यादा मेरा मतलब कह सकते हैं जितनी भी ज्वेलरी है मेरे पास गोल्ड की, सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट मेरे लिए यही था, बहुत दिल के करीब, बिकॉज बहुत दिल से बनवाया था मैंने। गोल्ड तो वेल गोल्ड ही होता है, सभी को पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा मन से बनवाया था और टूट गया, तो इसीलिए मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। और उसके नेक्स्ट डे ब्लॉग बनाया है मैंने, बट इसमें मैं नहीं जोड़ना चाहती थी बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल ब्लॉग था मेरे लिए, सो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। ज़रूर बताना कि आप क्या एडवाइस देंगे, कैसे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ, अगर आप जानते हैं कुछ तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली में, एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अब तक अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है प्लीज़ कर लें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बाय। पहले मैं 30 सेकेंड आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं एवरटीन के बारे में तो मैं बता देती हूँ। एवरटीन एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है, सर्व करता है प्रोडक्ट रिलेटेड टू फेमिनिन हाइजीन है। मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल कप इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी आप 70% वीमेन यूज करती हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल कप है उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर टू पैड्स, बिकॉज जब हमारे पीरियड टाइम होता है तो हम पैड्स नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, बट आप मेंस्ट्रुअल कप भी कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक ही बार आपको खरीदना है और चलेगा वो 10 साल तक। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक आप स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कूद सकते हो, फान सकते हो, साइकिल चला सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो, एंड कुछ भी नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका वो वाला टाइम चल रहा है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो विदाउट एनी फियर मेंस्ट्रुअल कप को, तो उसका मैंने लिंक दे दिया है एवरटीन का, आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया भी होगा, इवन मैंने भी इस पे वीडियो बनाया है, सो उसका लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ कहाँ मिल, प्लीज गो एंड चेक।